पैडी स्ट्रॉ मशरूम दुनिया के सबसे ज्यादा स्वादिष्ट मशरूम्स में से एक मशरूम है। ये पूर्वी एशिया की एक देसी प्रजाति है और ये एशियाई व्यंजनों में बहुत लोकप्रिय है। और सबसे जरूरी बात ये कि इसकी खेती करना बहुत ही सस्ता है और मुनाफा तो आप पूछिए ही मत। हमारा मतलब आप हमसे जरूर पूछिए, इसीलिए तो हमारी टीम ने पूरी रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है ताकि आपको आसानी से समझा सकें। आप भी इस मशरूम को अपने घर में केवल 10 से 12 दिन में उगा सकते हैं। ये एक ऐसा मशरूम है जिसमें आपको काफी अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा इसके हमारी इम्यूनिटी के फायदे भी काफी अधिक हैं। और दोस्तों यही कारण है कि आज इसकी मार्केट डिमांड सबसे ज्यादा है। तो अगर आप भी इस मशरूम को 10-12 दिन में अपने घर में उगाकर अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप इसे कैसे उगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसके ग्रोइंग पैरामीटर्स क्या हैं। दोस्तों ये मशरूम किसी भी तरह के ऑर्गेनिक वेस्ट में ग्रो हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इसको पैडी स्ट्रॉ, बनाना लीफ वेस्ट और शुगर केन वेस्ट में ग्रो किया जाता है। ये मशरूम इंडोर या आउटडोर दोनों में ही ग्रो हो सकता है और आप इसको ट्री शेड और ग्रीन हाउस में भी ग्रो कर सकते हैं। बात करें इसके एनवायरमेंट फैक्टर्स की तो इसको हाई टेम्परेचर लगभग 30 से 38 डिग्री सेल्सियस और 80 से 90 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए लोग ह्यूमिडिफायर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, कृपया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो चलिए अब इसको उगाने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं। स्टेप नंबर 1, इसके लिए आपको चाहिए गेहूं का सूखा हुआ भूसा जिसे पैडी बोलते हैं। पैडी बहुत ही सस्ती मिलती है, आप किसी भी किसान के यहाँ से इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बोला था ना, इसकी खेती बहुत सस्ती और मुनाफा ज्यादा होता है। सबसे पहले आपको स्ट्रॉ बंडल बनाना होता है। इसको 1 किलोग्राम वेट और 80 से 95% लंबा काट लिया जाता है, जो कि यह लगभग 12 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। स्टेप नंबर 2, किसी भी मशरूम की खेती के लिए सबसे पहले जो चाहिए है वो है नमी। इसके लिए आपको पैडी के बंडल्स को पानी में डुबाना होता है। आप सीमेंट के टैंक या प्लास्टिक टैंक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। लगभग 12 से 18 घंटे साफ पानी में डुबाना अच्छा रहता है। इसके अलावा आप इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी डाल सकते हैं ताकि इसका पीएच बैलेंस बना रहे। स्टेप नंबर 3, इसके बाद आपको इसमें से फालतू पानी निकालना होता है, इसलिए आप इनको एक बंबू के मचान पर रख दें ताकि इनमें से फालतू पानी निकल जाए। इससे इसका मॉइस्चर 60% हो जाएगा। कैसे जानेंगे कि मॉइस्चर 60% हो गया है? अब घबराइए नहीं, हम आपको बताते हैं इसका जुगाड़ क्या है। आप अपने हाथ से दबाकर भी इनको चेक कर सकते हैं। अगर पानी निकलना बंद हो जाता है तो समझ लीजिए ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। स्टेप नंबर 4, ये स्टेप बेड मेकिंग और स्पॉनिंग का है। इसमें आप पहली लेयर में 4 से 5 बंडल साइड बाय साइड रखकर बेड बनाते हैं, फिर 7 से 8 जगह स्पॉन रखने हैं जिनमें लगभग 5 सेंटीमीटर का गैप हो। फिर स्पॉन के सारे स्पॉट्स को ग्राउंड पाउडर से कवर करना है। इसके बाद दूसरा बंडल उसके परपेंडिकुलर में रखिए और फिर से पूरा प्रोसेस रिपीट करिए। स्पॉन मतलब कि मशरूम का बीज को बोलते हैं। अब ये बीज कहाँ मिलेगा वो वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। स्टेप नंबर 5, इसके बाद जब आपका बेड बन जाए तो इसको एक प्लास्टिक शीट से कवर कर लीजिए ताकि इसमें 80 से 85% ह्यूमिडिटी और 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बन जाए। स्टेप नंबर 6, कुछ दिन बाद इसमें माइसिलियम आने लगेंगे और आप बेड तैयार होने के 7 से 8 दिन बाद प्लास्टिक शीट हटा दीजिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें अब 28 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना रहे और ह्यूमिडिटी लगभग 80%। अगर आपको लगे कि ह्यूमिडिटी कम हो रही है तो इसमें पानी का हल्का सा छिड़काव भी किया जा सकता है। स्टेप नंबर 7, अब इसमें 10-12 दिन तक पिनहेड्स बनने लगेंगे। इसके बाद आप इस पर बिल्कुल भी स्प्रे मत कीजिए क्योंकि इससे ये खराब हो सकते हैं। और याद रखिए, पैडी स्ट्रॉ मशरूम को काफी अधिक लाइट की आवश्यकता होती है, तो आप चाहें तो एक बल्ब भी लगा सकते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि टेम्परेचर हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही मेंटेन रहना चाहिए। यह बात भी ध्यान देने की है कि पैडी स्ट्रॉ मशरूम काफी जल्दी उगने वाले मशरूम हैं,
जैसा कि हमने आपको बताया कि सनलाइट की काफी आवश्यकता होती है, इसके अलावा फ्रेश एयर भी काफी इम्पोर्टेंट है। हमेशा फ्रेश एयर और प्रॉपर वेंटिलेशन बनाए रखिए। जब आपको लगे कि मशरूम एक सही साइज में आ गया है तो आप इसको हार्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए बेस को हल्के हाथों से पकड़िए और उसको हल्के से घुमाकर तोड़ लीजिए। याद रखिए कि हार्वेस्ट करने का टाइम भी काफी इम्पोर्टेंट होता है, तो कोशिश करिए जब मशरूम यंग हो उसको तभी तोड़ लीजिए, वरना इनकी कैप खुल जाएंगी। इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने में मदद मिलती है। इन मशरूम्स की एवरेज शेल्फ लाइफ 2 दिन होती है। एक बार मशरूम हार्वेस्ट करने पर इसमें 20 दिन और मशरूम ग्रो होंगे, मतलब आप एक बार लगाने पर टोटल 2 से 3 बार मशरूम हार्वेस्ट कर सकते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद आप बचे हुए बेड को एक खाद की तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर बात करें इनके स्टोरेज की, तो आप इनको फ्रिज में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये खराब हो जाएंगे। मशरूम और स्पॉन दोनों ही एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करना आवश्यक है। मशरूम की खेती करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्पॉन होती है, लेकिन कुछ लोग बेस्ट क्वालिटी स्पॉन नहीं खरीद पाते। आपको ये स्पॉन कई ऑनलाइन वेबसाइट से मिल सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर स्टोर से भी आप स्पॉन खरीद सकते हैं। आप हमारे नीचे दिए हुए लिंक से भी बेस्ट क्वालिटी स्पॉन खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप एक स्पॉन खुद भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिन चीजों की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार हैं: गेहूं लगभग 1 किलोग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, टिश्यू कल्चर। सबसे पहले आपको 1 लीटर पानी में 1 किलोग्राम गेहूं डालकर उसको मध्यम आंच पर खुले बर्तन में लगभग 20 मिनट तक पकाना है, ताकि गेहूं आधा ही पके। फिर हम लोग इसको 1 घंटे तक ठंडा होने के लिए फैला देते हैं। फिर इसमें 20 किलोग्राम कैल्शियम सल्फेट और 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं। इसके बाद इसको प्लास्टिक बैग में कॉटन लगाकर पैक करना है। आप चाहे तो इसको डबल प्लास्टिक में भी पैक कर सकते हैं, जिससे हमारे स्पॉन डैमेज ना हो। फिर इन बैग्स को स्टेरिलाइज मशीन, जिसको ऑटोक्लेव मशीन भी बोलते हैं, उसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे तक 15 PSI पर रखा जाता है। इसके बाद आपको इन बैग्स को ठंडा होने के लिए छोड़ देना होता है। फिर इन बैग्स को हम लेमिनार एयर फ्लो मशीन में यूवी लाइट में रख देते हैं, जिससे अगर कोई बैक्टीरिया इनमें मौजूद है तो वो मर जाएंगे। इसके बाद सारा प्रोसेस इसी मशीन पर होता है। अब आपको सिर्फ इनमें टिश्यू कल्चर डालकर वापस बांध कर रख देना है। इसके बाद इनको लगभग 10 से 15 दिनों तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं, और इसके बाद हम इनका स्पॉन की तरह उपयोग कर सकते हैं। पैडी स्ट्रॉ मशरूम को आप ड्राई, पाउडर और फ्रेश फॉर्म में बेच सकते हैं। इसके अलावा इसका पिकल बनाकर या चिप्स बनाकर भी बेचा जाता है। इसको आप एग्रीकल्चर मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, स्टोर्स, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह में बेच सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट रेस्टोरेंट्स के साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि काफी रेस्टोरेंट्स में फ्रेश मशरूम की हाई डिमांड रहती है। ड्राई करने के लिए आपको इन्हें इमली के पानी में अच्छे से भिगोकर निकालना होता है, फिर साफ में एक बार धोना होता है। इसके बाद इनके पतले स्लाइसेस काट करके इन्हें धूप में रखना होता है। आप इनको तब तक रखे रहें जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। फिर इसके बाद आप इनको ऐसे ही बेच सकते हैं या फिर इनका पाउडर बनाकर भी बेच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कुछ लेना है या उससे संबंधित और जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।